ये जगह सच में बहुत अच्छी है, मतलब भरी दोपहर में भी ना यहाँ ना एकदम ऐसा ही ठंडा और बिल्कुल धूप नहीं आती, एकदम छाया था, दोनों तरफ बाग है यहाँ, पेड़ तो ऊपर से ऐसे मिले हुए हैं सड़क पे जैसे गुफा। पहुंच गया हूँ अपने मामा जी के गांव और यहाँ आते ही पुरानी यादें ताजा हो ही जाती हैं, सबकी हो जाती हैं अपने मामा के घर जाके, छुट्टियां वहीं बीतती थी। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ आज क्यों आया हूँ, एक्चुअली हमारी फैमिली में ना एक छोटी गुड़िया है, उसका बर्थडे आज, वो एक साल की हो गई है और आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पार्टी चल रही है, तरुण, रजत और क्रिश भी है साथ में, तीनों एंजॉय कर रहे हैं चाउमीन को, बाकी सब लोग भी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता और खाना एक साथ है, केक इसके बाद कटेगा। दोस्तों डोसा ना, डोसा इतना मस्त बना था ना, क्या बताऊं यार, मैं नंबर एक डोसा एकदम, टेस्ट में तो एकदम साउथ इंडियन लग रहा था भाई, गजब का डोसा बना, मतलब सारी चीज अच्छी बनी हुई थी लेकिन मैं बेस्ट कहूंगा डोसा था। नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर पे और वहाँ पे डीजे भी है और ये देखिए अभी डीजे लगा भी नहीं है, अभी स्टार्ट भी नहीं किया, बच्चे खेल रहे हैं। बहुत दिन बाद एक दूसरे से मिलके बहुत अच्छा लगा और पार्टी भी खूब एंजॉय की, मन लग गया, बहुत अच्छा लगा मुझे तो, सभी लोग मिले अच्छा लगता ही है साथ में, काफी दिन हो जाते हैं, और उसके बाद फिर डांस किया सब लोगों ने।
नेक्स्ट डे एकदम मॉर्निंग में हम लोग ढूंढने चले गए थे नहर जो मैंने आपको दिखाई थी ना स्टार्टिंग में, वहां तक पुराने दिन याद करने के लिए पैदल पैदल हम चले गए, घूमते घूमते मॉर्निंग वॉक भी हो गई और थोड़ा दौड़ भी लगा ली। मेरे साथ में तरुण भी गया था। कुछ देर बाद नाश्ता करके फिर हम वापस निकल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि मेरी आज छुट्टी भी नहीं थी तो वापस आना ही था। फिर हम वापस आने की तैयारी करने लगे थे साथ में। पहले हम मुजफ्फरनगर गए, रजत को खानी थी आइसक्रीम तो पहले आइसक्रीम खाई, मजा आ गई। वैसे गजब आइसक्रीम थी एकदम, ये देखो ये गुड़िया भी टेस्ट कर रही है। ओहो हो, आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल। धन्यवाद।